अगर आप सच में बालों को तेजी से लंबा और घना करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए ही बनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रोगानुसार में एक बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ है। जी हाँ दोस्तों, हर महिला की चाहत होती है घने और लंबे बाल। इससे महिलाओं की खूबसूरती के साथ साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आजकल तनाव का स्तर बढ़ने और प्रदूषण के कारण बालों के झड़ने की समस्या आम हो गई है। कुछ लोग बालों की ग्रोथ और उनके झड़ने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए चिकित्सक से भी सलाह लेते हैं। दोस्तों, आज के दौर में हर कोई अपने गिरते बालों को लेकर चिंता जाहिर करता रहता है। टूटते और झड़ते बालों को लेकर लोगों में इतना डर बैठ गया है कि वो महंगे और केमिकल युक्त हेयर ट्रीटमेंट लेने को मजबूर हो गए हैं। अगर आप भी घने लंबे और मुलायम बाल चाहते हैं तो आपको घरेलू उपचारों पर गौर करना चाहिए ताकि बालों को पर्याप्त पोषण भी मिले और केमिकल का झंझट भी ना रहे, जो कि इन तरीकों से आप कर सकते हैं। लेकिन इसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, दोस्तों स्किन केयर में गुलाब जल का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। हेयर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बालों का रूखापन दूर करने के लिए गुलाब जल का उपयोग सबसे अच्छा प्राकृतिक उपाय है। शैम्पू में गुलाब जल मिलाना बहुत ही आसान है। बाल धोने से पहले शैम्पू और गुलाब जल को एक साथ मिलाकर पेस्ट बनाकर लगाना चाहिए। दोस्तों, हेयर फॉल्स रोकने के साथ साथ गुलाब जल बालों को लंबा करने में मदद करता है। जो लोग बार बार डैंड्रफ से परेशान होते हैं उनके लिए भी गुलाब जल फायदेमंद होता है। नंबर दो, दोस्तों प्याज के रस का उपयोग सबसे पुराना प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद सल्फर उत्कों में कोलेजन बढ़ाने के साथ साथ बालों को भी बढ़ाने के गुण होते हैं। इसमें आप प्याज का रस निकाल कर इसे जड़ों से अच्छी तरह से लगाएं और 15 से 20 मिनट तक लगाकर छोड़ दें और फिर बालों को शैम्पू कर लें। आप इसका प्रयोग एक सप्ताह तक अवश्य करके देखें। नंबर तीन, दोस्तों जिनके बाल रूखे और बेजान होते हैं उनके लिए लैवेंडर ऑयल बहुत ही फायदेमंद होता है। सर्दियों के मौसम में लैवेंडर ऑयल को शैम्पू में मिलाकर लगाने से बालों का बढ़ना तेज होता है। बाल धोने से पहले शैम्पू में लैवेंडर ऑयल की सिर्फ 4 से 5 बूंदें ही काफ़ी होती हैं। नंबर चार, दोस्तों आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि बालों को बढ़ाने और बालों की पिगमेंटेशन में आपकी मदद करता है। इसमें आप आंवले के पाउडर को या फिर इसके जूस को नींबू के रस में मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं और इसे सूखने दें, इसके बाद शैम्पू कर लें। यह प्रक्रिया आप महीने में 2 बार कर सकती हैं। नंबर पाँच, दोस्तों बालों की देखभाल के लिए नींबू का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। फंगल इन्फेक्शन और डैंड्रफ की समस्या को दूर करने में लाभदायक होता है नींबू। बालों की ठीक से सफाई के लिए आप नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, बालों को बढ़ाने के लिए शैम्पू में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर लगाना काफ़ी लाभकारी होता है।